क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, नीलिंग पोज रहता है ना बॉडी बिल्डिंग का, वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अब ऐसे नील करके। मुझे आता था पहले, धीरे धीरे करके फिर से सीख रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस छूट गया। ऐसे करके फिर बाद में ऐसे अब बॉडी बिल्डिंग के अलग अलग पोजेस दे सकते। तो मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था अभी, मैंने बहुत सोचा कैसे परफेक्टली स्टार्ट करूँ, लेकिन ऐसे सोचते रहूँगा तो कभी स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो चालू कर देते हैं, करते करते आ जाएगा, है ना। तो आज के लिए मैंने एक काफ़ी यूनिक आइडिया सोचा है। ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये मैंने लिखा है, आप पढ़ नहीं पाओगे। इसमें मैंने ना चीज़ें लिखी है, ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग का कितना खर्चा आता है मुझे पर डे, उसका लिस्ट है। इसमें अलग अलग प्राइजेस लिखे हैं। अब हम जाएंगे एक इंसान के पास जिनको बजट प्रॉपरली समझेगा ये, मतलब तो फिर वो ऑलरेडी ओवरऑल मंथली बजट हम निकालेंगे एंड हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि मंथली खर्चा कितना आता है इस वक्त मेरा। ठीक है, इतना बस, मुंगी काट रहा है बे। तो अब हम जाते हैं जल्दी से घर पर और पूरा का पूरा हम मंथली बजट निकालेंगे एंड आप सबको फाइनलाइज करके बताएंगे कितना खर्चा आता है। यस, बाय द वे हम है इस वक्त ब्रह्मावरा में कर्नाटका, और घर जाने से पहले आपको ज़रा यहाँ के नज़ारे बताते हैं। तो चलिए, तो आज के लिए मेरा ड्राइवर है मेरा भाई। यस, और हम आपको ज़रा यहाँ के रोड्स और खुली खुली वादियों का सैर कराते हैं। और हाँ, स्कूटी पैप चला रहे हैं हम, अभी और कोई ऑप्शन नहीं, लेडीज़ बाइक है आई नो। तो देखिए अभी आप चाहिए तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट देख लो ज़रा नज़ारा, ये मेरे फ्रेंड्स के लिए स्पेशली। तो हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं अभी गांव में हूँ इस वक्त, तो मतलब डाइट एंड वर्कआउट ये सब स्किप हो जाता होगा, तो कैसे कवर अप करते हैं। पहली बात तो मेरा डाइट और वर्कआउट कुछ स्किप नहीं हो रहा है, मैंने डाइट वगैरह सब मैनेज किया कार में ड्यूरिंग ट्रैवल, और अभी यहाँ पे भी मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। मेरी मासी एंड ऑल इन्होंने सब लाया है मार्केट से डाइट एंड ऑल, और जिम भी यहाँ पर है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है रेस्ट लेने का और सब कुछ स्किप करने का। ये देखिए खूबसूरत राइस फील्ड्स, और किस इतना अच्छा कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ठीक है, नज़ारे देखो। और हम शायद ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, पहुँच जा भाई। वैसे मेरी भाई की ड्राइविंग कैसी है, आप रेट करना आउट ऑफ 10। मैं आउट ऑफ 10 3 दूंगा कम से कम। ओके, तो हम आ चुके हैं घर पर फाइनली। तो हम आ चुके हैं घर पर, और एक यूनिक चीज़ बताऊंगा आपको। ये देखो, ये बर्ड ने नेस्ट कहाँ बनाया हुआ है, वायर के ऊपर, केबल के ऊपर, आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर के अंडे, इतना रिस्की जगह पे बनाया है नेस्ट। हर किसी का पहला सवाल यही आता है कि भाई खर्चा कितना रहेगा। तो बॉडी बिल्डिंग में अराउंड 3 चीज़ों का मेन खर्चा आता है, एक तो है अपना जिम का और डाइट का और सप्लीमेंट्स का, उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा डाइट का आता है। तो डाइट का ओवरऑल मैंने ऐसे ओवरऑल चीज़ें लिखी है जो मैं दिन भर में कंज्यूम करता हूँ, हर एक चीज़ मेंशन की है एक्सक्लूडिंग सप्लीमेंट्स। तो ये सब चीज़ों का ब्रेकडाउन मॉम से बेटर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि राशन पानी मॉम को ज़्यादा बेटर पता है अभी का करंट रेट्स वगैरह। तो मैंने ओवरऑल एक लिस्ट बनाया है चीज़ों का, तो मैं एक एक करके उन चीज़ों का नाम लूँगा और मॉम रेट बताएगी, ठीक है। मैं पहली चीज़ अराउंड 300 ग्राम कर्ड कंज्यूम करता हूँ पर डे, तो उसका कितना आएगा मम्मी अराउंड 300 ग्राम किलो का 75 है, 75 74 है, तो 25 रुपीस। तो अराउंड 25 रुपीस कर्ड का पकड़ा है हमने। ओट्स अराउंड 60 ग्राम, उसका कितना आएगा, एक 8 या 10 रुपए पकड़ सकते हैं।
फायदा भी ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं पूरा लिस्ट, इसका प्राइस हमने एग्जैक्ट निकाला है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मुंबई करेंट रेट्स, यहाँ का नहीं मुंबई में क्या रेट्स है उसके अकॉर्डिंग है पूरा। तो एग्स 16 अंडे खाता हूँ मैं पर डे, ऊपर नीचे होता है कभी कभी बट 16 एवरेज पकड़ते हैं, 100 रुपीज। स्वीट पोटेटो का अराउंड मैं 400 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ पर डे। किलो का कितना चल रहा है रेट? 80-60 ऐसा रहते हैं, तो 30 रुपीज भी पकड़ सकते। हाँ, तो 30 रुपीज। मूंग का, मूंग मैं 50 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ पर डे, किलो का कितना चल रहा है? 240 ऐसा है, वो महंगा रहते हैं ना। हाँ, 3 रुपीज ऐसा तो कुछ हो जाएगा। चिकन या फिश या मटन, इन तीनों में से कोई एक चीज कंज्यूम करता हूँ मैं। मटन तो रेयरली, बहुत महंगा है। चिकन नहीं तो फिश ही कंज्यूम करता हूँ यूजली, अराउंड 300 ग्राम्स पर डे कंज्यूम करता हूँ, तो उसका 48 या 50 रुपीज। चिकन किलो का कितना चल रहा है? वो सीजनल रेट रहता है, मतलब कभी कभी तो हम 40 रुपीज पकड़ते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, आपके लिए फास्ट रिवाइज कर रहे हैं। राइस अराउंड मैं कितना खाता हूँ राइस? 50 ग्राम्स के अराउंड खाता हूँ रॉ, उसको कुक करने के बाद ज्यादा होता है वो। अराउंड कितना पकड़ सकते हैं? 4-5 रुपीज पकड़ते हैं। वेजिटेबल्स अराउंड 300 ग्राम्स कंज्यूम करता हूँ पर डे, तो उसका कितना पकड़ सकते हैं? वेजिटेबल कोई भी खाता हूँ मैं, डिपेंडिंग ऑन सीजन और कौन सा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। अप्रोक्स 20 रुपीज ऐसा कुछ, 20 रुपीज पकड़ते हैं, ठीक है। बीट रूट मैं दिन में एक कंज्यूम करता हूँ, एक मीडियम साइज बीट रूट, तो उसका हम कितना पकड़ सकते हैं? बीट रूट किलो का कितना है? किलो का 40 रुपीज ऐसा कुछ, किलो का इस वक्त 40 रुपीज चल रहा है, और कभी कभी 20 रुपीज भी रहता है, कम भी रहता है। कम भी रहता है, हाँ। वो तो 5 रुपीज ऐसा, मतलब छोटा छोटा रहता है ना वो, छोटा छोटा लेगा तो 5 रुपीज पकड़ते हैं। क्यूकम्बर ककड़ी मैं दिन में एक खाता हूँ, तो 10 रुपीज पकड़ते हैं। फ्रूट मैं कोई भी एक फ्रूट खाता हूँ आफ्टर वर्कआउट, एप्पल हो, पपाया हो, वाटरमेलन हो, तो उसका कितना पकड़ सकते हैं मम्मी एक फ्रूट के पीस का? 5 रुपीज या 6-10 रुपीज पकड़ते हैं, चलो हाँ 10 रुपीज पकड़ते। मिल्क मैं एक ग्लास कंज्यूम करता हूँ, एक बड़ा ग्लास, तो अराउंड 200-250 ml, तो आधे लीटर का 26 चल रहा है। हाँ, तो पाव लीटर का 13 रुपीज, हम 10 रुपीज पकड़ते हैं अप्रोक्स। ओके, तो इतना ही था खाने की चीजें, ये मेरा ये सारी चीजें थे जो मैं दिन भर में खाता हूँ। और रही बात सप्लीमेंट्स की, इस वक्त ऑनेस्टली मुझे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, तो उसमें मेरा खर्चा 0 रुपीज है सप्लीमेंट्स में। एंड जिम फी, इसके पहले मुझे जिम फ्री था, बट अभी अराउंड 9,500 रुपीज है फॉर 14 मंथ्स, तो उसका नाम अराउंड 678 रुपीज पर मंथ आता है, और पर डे का 22.6 रुपीज मुझे खर्चा होता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने रेट्स लिखे हुए हैं, मैं कैलकुलेट करूंगा। और सप्लीमेंट्स, रही बात सप्लीमेंट्स की, मैं इसके पहले जब स्पॉन्सर्स नहीं थे तभी सप्लीमेंट्स यूज करता था, बट बहुत कम, ऐसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और विटामिन सी, कैसे मैं सारी चीजें पकड़ के ना मुझे 1,000 रुपीज पर मंथ आता था। आप सोचोगे इतना कम कैसे 1,000 रुपीज पर मंथ, तो मैं उसका ब्रेकडाउन में भी कोई अलग वीडियो में बताऊंगा। बट इस वक्त के लिए ये मेरे पास सारे अप्रोक्सीमेट रेट्स है, आपको पता चलेगा कि मंथली खर्चा कितना होता है। मेरा सब लोग का पहला वही क्वेश्चन रहता है कि भाई खर्चा कितना होता है, तो हम उसका जवाब आज बताएंगे। रुक रुक, वीडियो बन बना रहा हूँ, एक लास्ट की आ जाओ, इतना बड़ा महिंदा के निकल के देना। हाँ रुक, एक पकड़ लेके जानते दी गया क्या? सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्बेंस, वो भाई के वॉशरूम में मेंढक आ गया था, कितना क्यूट सा ट्री फ्रॉग, इसे हम जाने देते हैं। तो ओवरऑल मैंने सब कैलकुलेट करके अराउंड मुझे 309.6 रुपीज पर डे का खर्चा आता है, और जो 10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सीजन, और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही पकड़ा है हर चीज़, तो अराउंड 9,270 रुपीज पर मंथ का मुझे खर्चा आता है। तो अभी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी को बहुत कम लग सकता है ये, क्योंकि लोगों को लगता होगा लाखों रुपये खर्चा होते होंगे, एटलीस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में तो इतना खर्चा नहीं होता है, और मेन खर्चा
डाइट का होता है और डाइट का ही होना चाहिए। एंड यही कहूँगा कि सस्टेनेबल बॉडी बिल्डिंग करो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है सप्लीमेंट्स पे ये सब पे खर्च करने के लिए, तो डाइट पे पहले फोकस करो, डाइट पे खर्चा करो। और अगर आप ये महीने में समझो 10,000 का सप्लीमेंट ले लेते हो, ठीक है, बट फिर अगले महीने आपके पास पैसे नहीं है वही सेम चीज़ खरीदने के लिए, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कुछ करने का ट्राई करो। बस आज के लिए इतना ही, दिस इज इट। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर, नहीं यार कूल नहीं लगता ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सब बोल। अगर आपको लगता है कि ये सब कूल नहीं है और आप अग्री करते हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।